सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सेटिंग्स खोल ली है, गेम सेटिंग जो होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2GB रैम में आपको क्या करना है, स्मूथ पे रखना है, ठीक है, और 3GB रैम वाले स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं और 4 एंड अबव वाले अल्ट्रा यूज़ कीजिए, ठीक है। शेडो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ऑफ रखिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं सेंसिटिविटी पे, यहाँ पर हम रिसेट करते हैं, आपको इन गेम सेंसिटिविटी सेटिंग जो है वो ऐसे ही मिल जाती है। सो अभी आपको क्या करना है कि टेस्ट करना है, आपको खुद को नोटिस करना है, ठीक है। आपको खुद को नोटिस कैसे करना है सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो यार वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आ रहा है तो लाइक करना। और यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि आप किस सेंसिटिविटी में अच्छा खेल लेते हैं, तो यार बता रहा हूँ किस तरह से आपको नोटिस वगैरह करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो आप 2GB रैम वाले सुन लीजिए, यहाँ पे आपको 100 ट्राई करना है खेलने का, ठीक है। मान लीजिए आपका ये था सेटिंग, आप इसी सेटिंग पे खेलते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है और उस पर खेलना है। ट्राई कीजिए, सभी के सभी ट्राई कीजिए, 4GB रैम तक वाले या फिर 3GB रैम तक वाले ट्राई कीजिए 100 खेलने का। 4GB रैम वाले और उससे आगे वाले थोड़ा सा कम रखिए। सब कुछ बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना, ध्यान से समझ आएगा सब कुछ। थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया है और गेम खेली कुछ 2-3 दिन तक, और फिर मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब खुद को आदत डालनी है कि आप 100 के लायक हो जाएं। अगर आपसे 100 पे नहीं खेला जा रहा तो ये 100 पे खेलने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। स्क्रीन वगैरह अच्छी सी मूव करती है, ड्रैग हेडशॉट्स अच्छे लगते हैं और रैंडम हेडशॉट्स भी अच्छे लगते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के किसी को नहीं समझ आ रहा तो हेडशॉट्स लगते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कंट्रोल्स पे आ जाते हैं। कंट्रोल पे यार आप डिफ़ॉल्ट वगैरह पे खेल सकते हैं। अभी सेंसिटिविटी पे और डिटेल पे बात करूँगा, काफ़ी अच्छी बात करेंगे। अभी कंट्रोल पे डिफ़ॉल्ट पे खेलिए, मतलब लॉन्ग रेंज में तो डिफ़ॉल्ट पे खेलिए। अगर आप AK वगैरह यूज़ करते हैं तो प्रिसाइज पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है, तो प्रिसाइज पे भी आप खेल सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि आप डिफ़ॉल्ट पे खेलिए, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं MP40 में डिफ़ॉल्ट में ही खेलता हूँ, ठीक है, और कभी कभी M187 हाथ में आता है तो प्रिसाइज करता हूँ। प्रिसाइज करने के मुझे M187 में काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है यार। M187 का न्यू स्किन का वेट कर रहे हैं। सेंसिटिविटी पे बात करेंगे। अब मैं आप सबको ट्रेनिंग में इस 100 सेंसिटिविटी के साथ खेल के दिखाऊंगा। हालांकि मैं इस सेंसिटिविटी के साथ नहीं खेलता हूँ, बट खेलते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने देखा कि ठीक ठाक रिस्पांस था, हाँ ठीक है, मैंने देखा, क्या मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। मैंने 100 सब 100 पे खेल के देख लिया, बट मुझे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया। मैं मानता हूँ कि मैं और भी बेटर कर सकता था, ठीक है। आप हमेशा मानिए कि आप इससे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। आपको कभी ये नहीं मानना कि अब तो इतना, इससे अच्छा तो मैं खेल ही नहीं सकता,
यार आपको ये कभी नहीं मानना है। तो यार अभी मैं क्या करूँगा कि थोड़ी थोड़ी अलग सेंसिटिविटी कर देता हूँ और इस पर खेलूँगा। हाँ मुझे पागल समझ रहे होंगे, ये क्या कर रहा है यार, ये मुझे क्या बता रहा है, ये कहना क्या चाहता है। यार मैं कहना ये चाहता हूँ कि सेंसिटिविटी मैंने पहले 100 करके खेल के देख ली, मुझे क्या रिस्पांस मिला वो मैंने देख लिया। मैंने कितने हेडशॉट्स मारे, 3 मारे 4 मारे 5 मारे 6 मारे सब कुछ देख लिया, ठीक है। मैंने कितने मारे मैंने खुद को नोट कर लिया है, और मैंने कितने मिस किए, कहाँ मैं मार सकता था, ठीक है, वो सब मैंने देख लिया। अब ये बारी है कि अब मैं इस थोड़ी सी चेंज वाली सेंसिटिविटी में क्या मैं हेडशॉट मार पाऊंगा, ठीक है। आपको ये देखना है, आपको इस तरह से खुद में चेंजेस करने हैं, खुद की सेंसिटिविटी में चेंजेस करने हैं। 2 GB RAM वाले, 3 GB RAM वाले, 4 GB RAM वाले, 10 GB RAM वाले, कितने भी रैम वाले हो यार, आपको ऐसा ही करना है। आपको चेंज करते रहना है अपनी सेंसिटिविटी में, और आपको ये याद रखना है कि आप किस सेंसिटिविटी में काफ़ी अच्छा खेल पा रहे हैं, ठीक है। आपको ये कभी नहीं भूलना है, क्योंकि कभी ऐसा आएगा कि मान लीजिए मैं इस वाली सेंसिटिविटी में, मान लीजिए सिर्फ मानने को कह रहा हूँ कि इस सेंसिटिविटी में बहुत अच्छा खेल रहा था, बट मैंने ऐसा ऐसा कर दिया कुछ, ठीक है, मैंने ऐसा वैसा कर दिया कुछ, तो मैं इसमें नहीं खेल पा रहा हूँ। तो आपको वो पिछली वाली भूलनी नहीं है, आपको वो याद रखना है और फिर से अप्लाई कर देना है, ठीक है। कुछ ऐसा ही था। हम बात कर लेते हैं कस्टम HUD के बारे में। कस्टम HUD के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इस पर ज़्यादा कुछ कहने को है ही नहीं यार। तो यार आप 2 Finger Claw खेलते हो या फिर कुछ भी खेलते हो, 10 Finger Claw खेलते हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। आप PC में खेलते हो या क्या खेलते हो, अभी मैं बता दूँ कि आपको फायर बटन का क्या करना है। फायर बटन को ध्यान रखना है कि फायर बटन साइज, उसका साइज ना 75 तक तो हो, 75 0 to 75, जीरो तो रखना नहीं है, मतलब मान लीजिए आपका फायर बटन का साइज 75 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फायर बटन का साइज रखिए आप लगभग, मैं बताता हूँ कितने से कितने के बीच में, आप रखिए 55 से 75 तक के बीच में रखिए। 30 तक की रेंज बताई है मैंने, आपको इतनी ही रेंज में रखना है। अब आप 55 टू 65 रखते हैं ना, तो आपके ड्रैग हेडशॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं, इतना भी फ़र्क नहीं है बट फिर भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फायर बटन रखना कहाँ है। यार आपको फायर बटन अपनी थंब के अकॉर्डिंग रखना है। मैं 2 Finger Claw हूँ इसीलिए मैं थंब वगैरह बोल रहा हूँ, अगर आप इधर उधर लगाते हैं अपने फायर बटन को तो मुझे नहीं पता, बाकी अपना देख लेना। तो यार आपको ये मान लीजिए मेरा थंब यहाँ पे टैप करता है, यहाँ पे इधर को टैप करता है फायर बटन करते समय, ठीक है। तो आपको फायर बटन यहाँ पे रख देना है। अगर आप अपनी थंब को फायर बटन पे लाना चाहते हैं तो यार आपको तो फिर लाना ही पड़ेगा, फिर आपको इधर ही रख के प्रैक्टिस करनी है किस तरह मैं फायर बटन पे इधर टैप करूँ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने फायर बटन को ही नीचे कर लीजिए, क्या दिक्कत है। आप देखिए कि मैं टैप कहाँ कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, मेरी पहले सेटिंग ना कुछ ऐसी थी मतलब सब बड़ा था। यहाँ पे मैं कभी कभी गेम में जाता था, मेरे को पेड़ के पीछे कवर लेके बैठना होता था, ठीक है, तो वहाँ पे मेरा जंप बटन क्लिक हो जाता था, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन सा होता था। मतलब ऐसा काफ़ी कम बार हुआ, 1 ही 2 बार हुआ, रेयर हुआ, बट आपको एक बात बता रहा हूँ। तो यार मैंने तो अपना देख लिया कि भाई मुझे ये जंप बटन थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए, और ये भी तो पहले से था ही छोटा सा, ठीक है, तो इसे तो इतने ही रखना। ऐसा नहीं है कि आप ये सेटिंग कर लोगे तो आप प्रो बन जाओगे। आप जिस लेवल के प्लेयर हो आप उसी लेवल की सेटिंग कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई प्रो सेटिंग नहीं होती है। तो यार मैंने सेंसिटिविटी बता दी आपको, किस तरह इम्प्रूव करना है बता दिया आपको, खुद को गेम में नोटिस करना है, उसके बाद आपको देखना है कि मैं इस सेटिंग में अच्छा खेल पा रहा हूँ या नहीं खेल पा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आपको इम्प्रूव करना है। तो यार सब कुछ तो मैंने बता ही दिया, प्रिसाइज पे आपको शॉटगन वगैरह यूज़ कर सकते हो, बाकी आप देख लीजिए मेरी ये सब है, ये सब बताने का ज़रूरत तो है नहीं इन सब का। ऑटो पिकअप मैं ज़्यादातर ऑन रखता हूँ, चैलेंजेस मैं ऑफ कर देता हूँ। तो यार
बस इतना ही था यार इस प्रो सेटिंग में, कुछ घंटा कुछ नहीं है, अपने अकॉर्डिंगली देखो जिस तरह मैंने बताया है। अगर वीडियो नहीं समझ आया दोबारा से देख लो, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो एक बारी कमेंट कर देना, मैं समझूंगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। चलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।